बदमाशों में पुलिस का खौफ हो रहा खत्म। सरेराह महिलाओं से की जा रही है अभद्रता। न्याय के लिए दर दर भटक रहे पीड़ित। पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा के राज में एक तरफ जहां महिलाओं को कई अधिकार देने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर स्थिति इसके विपरीत है। यह प्रयास कागजों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इंदौर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर पीड़ित को न्याय के लिए आला अधिकारियों की शरण लेनी पड़ी। देखिए यह खास रिपोर्ट। महिला से मारपीट, अभद्रता और बावजूद उसके पुलिस चुप बैठी हुई है। पहले आपको दिखाते हैं वह दृश्य जिसमें शिवराज के राज में महिलाओं के साथ ये किस कदर अभद्रता हो रही है। ये दृश्य बयां कर रहा है हकीकत की किस तरह से शहर में गुंडे बदमाश बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल ये मामला इंदौर के नंदा नगर क्षेत्र का है जहां पर महिलाओं से इस प्रकार अभद्रता की जा रही है। आरोपी सड़कों पर खुलेआम एक युवती से अभद्रता कर रहे हैं और जब बीच बचाव में उसकी माँ आ गई तो आरोपियों ने महिला के साथ भी अभद्रता कर डाली। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस भी इन आरोपियों की पक्षधर हो जाती है। घटना की जानकारी पुलिस को होने के बाद पुलिस आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिसके कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। आरोपी पीड़ित पक्ष को धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर अब पीड़ित पक्ष ने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं से आए दिन हो रही इन घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। अब देखना होगा मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद पीड़ित पक्ष को कब तक न्याय मिल पाता है। श्री शर्मा है, मैं नंदा नगर रोड नंबर 11 से रहवासी हूँ, इंदौर से रहवासी हूँ। हमारे साथ राजवर्धन सिंह पवार और किशोर सिंह पवार ने जानलेवा हमला किया है। राजवर्धन सिंह पवार ने मेरे साथ बदतमीजी की, झूमर झट्टी करी और मेरी तरफ बढ़ने थे कोशिश की। मेरी मम्मी मुझे बचाने आई तो मेरी मम्मी ने उसे चाटा मारा, तो उसके पिता किशोर सिंह पवार ने मेरी मम्मी तो लोहे से पाइप से इतना मारा कि आज वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। क्या कारण है, झगड़ा लगा किस लिए? हमारे नीचे दुकान पे उसने कब्जा कर रखा था, तो हमने बस हमें यही बोलने रही थी कि आप हमारे दुकान में क्या ठोट रहे हैं, क्योंकि हमारा मकान 30 से 35 साल पुराना है, उसमें हमें कंस्ट्रक्शन बार बार करवाना पड़ता है, बार बार मरम्मत करवानी पड़ती है। इसने नीचे कब्जा कर रखा है तो हम अभी कुछ तर भी नहीं पा रहे हैं, तो बार बार आते ही हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने ये दिया है कि हमें तो बस आरोपी थे अपराधी तो सजा है सख्त से सख्त, क्योंकि राजवर्धन सिंह पवार और किशोर सिंह पवार बार बार हमारे वहाँ आते हैं, आए दिन लड़ाई करते हैं और हमें धमकी देते हैं कि एक तो मारूँगा तो चारों तो मारूँगा, तब भी वही सजा हुई थी और तुम्हारा मकान हड़प लूँगा। इसने अवैध कब्जे भी तर रहते हैं और चार पाँच मकान पर और कब्जे भी तर रहते हैं राजवर्धन सिंह पवार ने। पुलिस में भी गए थे तो पुलिस में भी इनका तो रिटायर्ड DSP है, इन्होंने थाने देते अतरौली अतर से उसने छुड़ा दिया, 50,000 रुपये देते छुड़वा दिया। कशिश शर्मा। ये प्रदेशीपुरा से शिकायत आई थी, महिलाओं के साथ में आके अपनी जो है ग्रीवियांस यहाँ बताई थी। इस संबंध में प्रदेशीपुरा में अपराध पंजीबद्ध है, इसकी जो है सारे घटनाक्रम की जांच कराई जाएगी। दोनों पक्षों की ओर से मामले कायम हुए हैं। इनका कहना है चोट वगैरह ज़्यादा थी और धाराएं वगैरह समुचित नहीं लगी हैं। पूरा सब घटनाक्रम की सारे बिंदुओं का परीक्षण करने के उपरांत में जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर क्या बात है? रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।